नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस पेपर 14, यानी कि 13 तक हम लोग कर चुके थे और आप लोगों का ये फेवरेट भी है जो कि जनरल अवेयरनेस का हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन है इसमें। आज के लिए रखा है मैंने 18 प्लस का जो है टारगेट। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इतना तो कर चुके हैं कि हम 18 प्लस कर सके ऐसे क्वेश्चंस को। और बाकी जिन लोगों का कम रहता है और जो लोग अभी नए जुड़े हैं उन लोगों को क्या करना है, उस प्लेलिस्ट को जाके देखना है जिसमें कि ये सभी पार्ट्स मिल जाएंगे और उसको देखने के बाद आपको अचानक से इम्प्रूवमेंट फील होगा। साथ ही साथ रैपिड टेस्ट को भी देखना, उससे भी बहुत कुछ इम्प्रूव हो जाएगा बहुत ही कम समय में। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ की ओर बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस और करंट अफेयर्स की ई बुक आ गई है नेवी एमआर के लिए, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर ही मिलेगा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते ही आप रीडायरेक्टेड वेबसाइट पे जाओगे, वहां से ले सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लेना, अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो ज़बरदस्ती मत लेना, ठीक है। चलिए अभी जो आपका स्कोर हो वो कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। कैसे आपको स्कोर कमेंट करना है? जितना आपका सही होता है जितना गलत होता है, तो जितना गलत है उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग को ऐड करके और उसके बाद माइनस करके सही वाले में से, और तब अपना स्कोर ऑनेस्टली कमेंट करना है ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को। और ये भी बताइएगा कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आया है कि नहीं। अभी थोड़ा ही टाइम बचा है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। और हाँ, PDF इंपॉर्टेंट नोटिस अपडेट इन सब चीज़ों के लिए आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर ज्वाइन करो। 15 अगस्त बीत गया, अब आप लोगों को सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपके दिमाग में कुछ और है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको चाहिए और, तो आप मुझे सजेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ मुझसे छूट जाए जो कि मैं आप लोग बता देंगे तो फिर से उस पर फोकस हो जाएगा मेरा। तो ज़रूर से आप लोग सजेस्ट कीजिएगा आपके दिमाग में कोई टॉपिक हो तो। चलिए अभी आज का पहला क्वेश्चन, पोप बेनेडिक्ट 16 किस देश के हैं? पोप बेनेडिक्ट 16 बिलोंग्स टू विच कंट्री? इटली, जर्मनी, फ्रांस और थाईलैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी। पोप बेनेडिक्ट 16 बिलोंग्स टू जर्मनी, यानी कि पोप बेनेडिक्ट 16 जो थे वो जर्मनी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कोचीन किस राज्य में स्थित है? कोचीन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरला। कोचीन जो है केरला में स्थित है, कोचीन इज लोकेटेड इन केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। थर्ड है हमारा, चटगांव किस देश का बड़ा बंदरगाह है? चिटागोंग इज द मेजर पार्ट ऑफ विच कंट्री? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बांग्लादेश। चिटागोंग इज द मेजर पार्ट ऑफ बांग्लादेश, यानी चटगांव बांग्लादेश का एक बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर है, वन लाइट ईयर इज इक्वल 1.46 × 10 to 11 मीटर, 9.46 × 15 to 15 किलोमीटर के, 9.46 × 10 to 15 मीटर के, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10 to 15 मीटर केल्विन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? अंटानियो गुतेरस, बानकी मून, कोफी अनान और यू थांट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अंटानियो गुतेरस। अंटानियो गुतेरस अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं, जो कि 1 जनवरी 2017 से वर्तमान में अभी हैं। कौन? अंटानियो गुतेरस। अंटानियो गुतेरस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। बिल क्लिंटन किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? बिल क्लिंटन वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और मिस्र यानी इजिप्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका। बिल क्लिंटन वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ
अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। एफिल टावर किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द एफिल टावर लोकेटेड? पेरिस में इन पेरिस, रोम में इन रोम, वेनिस में इन वेनिस और ट्यूरिन में इन ट्यूरिन। इन पेरिस इज द एफिल टावर लोकेटेड, या फिर एफिल टावर इज लोकेटेड इन पेरिस। पेरिस में है एफिल टावर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? बराकर, स्वर्णरेखा, कोयना और महानदी। राइट आंसर स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ स्वर्णरेखा रिवर। सबर्णरेखा हो जाता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, सबर्णरेखा भी कहीं कहीं हो जाता है, सबर्णरेखा, तो वो सेम ही होगा। नेक्स्ट, उर्दू कविता का जनक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर द फादर ऑफ उर्दू पोएट्री? अबुल फजल, रहीम खान खाना, अमीर खुसरो और मिर्जा गालिब। राइट आंसर ऑप्शन सी, अमीर खुसरो इज कंसिडर द फादर ऑफ उर्दू पोएट्री। उर्दू कविता का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, मोतियाबिंद से कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच ऑर्गन इज एफेक्टेड बाई कैटराकैट? आई, नोज, द नर्वस सिस्टम और लीवर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आई। आई इज एफेक्टेड बाई कैटराकैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? हाउ मच आर दी फंडामेंटल राइट एट प्रेजेंट? 12, 20, 7 and 6। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है। 6 अधिकार हैं मौलिक अधिकार हमारे वर्तमान में। आप लोगों से एक और सवाल यहीं पे पूछ देता हूँ। अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया था कि मूल अधिकार तो हो गए 6, लेकिन मूल कर्तव्य कितने हैं? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है? चलिए नेक्स्ट, कलिंग युद्ध के बाद किस राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया? विच किंग एक्सेप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर कलिंग वार? समुद्रगुप्त ने, हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने और अशोक ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, उसमें जितना भी मारामारी हुई थी, बहुत सारे लोगों की जान गई थी, उसको देखने के बाद बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? इन व्हाट टाइम डज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस? 365 days, 166 days, 366 days एंड 24 hours। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है अपनी धुरी पर पृथ्वी। इन 24 hours डज द अर्थ रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डल लेक झील किस शहर में है? डल लेक इज इन विच सिटी? आगरा, श्रीनगर, भुवनेश्वर और महाबलेश्वर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीनगर। डल लेक जो है, डल झील जो है, वो श्रीनगर में स्थित है। निकोलस कॉपरनिकस किस देश के थे? निकोलस कॉपरनिकस बिलोंग्स टू विच कंट्री? पोलैंड, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी पोलैंड। निकोलस कॉपरनिकस बिलोंग टू पोलैंड, यानी निकोलस कॉपरनिकस पोलैंड के निवासी थे, पोलैंड के थे। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मा समाज? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन राय और स्वामी सहजानंद। राइट आंसर ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। नेक्स्ट, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, नुसरत अली भुट्टो। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी इमरान खान वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, स्टीव स्मिथ का संबंध किस खेल से है? स्टीव स्मिथ इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस और गोल्फ। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी क्रिकेट से इनका संबंध है। स्टीव स्मिथ इज रिलेटेड टू क्रिकेट। स्टीव स्मिथ इज ए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? विच प्लेनेट इज कॉल्ड द सिस्टर ऑफ अर्थ? बुध, मरकरी, मंगल मार्स, शुक्र वीनस और शनि सैटर्न। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि शुक्र वीनस। वीनस इज कॉल्ड सिस्टर ऑफ अर्थ।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबा नागार्जुन का संबंध किस क्षेत्र से है? बाबा नागार्जुन इज रिलेटेड टू विच फील्ड? अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस, खेल, स्पोर्ट्स, पत्रकारिता, जर्नलिज्म और साहित्य, लिटरेचर। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि लिटरेचर, साहित्य। बाबा नागार्जुन इज रिलेटेड टू लिटरेचर, नागार्जुन का संबंध साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st, राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? वेयर वेयर दी 21st कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? गोल्ड कोस्ट में, इन गोल्ड कोस्ट, ग्लासगो में, ग्लासगो, सिंगझाऊ, एडिनबर्ग में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए थे। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 21वें कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए गए थे, वहाँ पे क्वींसलैंड में, गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में आयोजित किए गए थे। अब आपको एक और सवाल का जवाब देना है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, कि जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स होगा वो कहाँ पे होगा, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, उसका आयोजन कहाँ होगा, आपको कमेंट सेक्शन में अपना जवाब कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तपेदिक किस रोग का एक अन्य नाम है? ट्यूबरक्लोसिस इज अनदर नेम फॉर विच डिजीज? पीलिया, टीबी, कैंसर और कुष्ठ। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी टीबी। ट्यूबरक्लोसिस इज द अनदर नेम ऑफ टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? द फेमस गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी? आनंदपुर में, इन आनंदपुर, लुधियाना में, इन लुधियाना, अमृतसर में, इन अमृतसर और रोपड़ में, यानी रोपड़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर। द फेमस गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान की संसद का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जापान? सोरा, निसेट, डायट, कांग्रेस। राइट आंसर ऑप्शन सी, डायट, यानी कि द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज डायट। जापान के संसद का नाम है डायट, डायट बोलते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है, शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज शेर शाह रियल नेम? फरहत अली, मीर बाकी, शेर पठान और फरीद खान। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी फरीद खान। फरीद खान वाज शेर शाह रियल नेम। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन, यानी एक पूरा प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों जो जीके वाली लॉन्च होने वाली है ई बुक, उसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे और उसी में ऐड कर दूंगा मैं, बाकी आपको सवाल तो मिलेंगे ही, साथ में ये प्रैक्टिस सेट भी लगाने को मिल जाएंगे, देखने को भी मिल जाएंगे, यही मैं बोलना चाहता था। बाकी अगर आपने अभी तक नहीं लिया है साइंस और करंट अफेयर्स का तो ले सकते हैं, आपको पता नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के चेक कर सकते हैं, अच्छा लगे तो लेना, ना लगे तो मत लेना। और अगर ले लिया तो इंस्टाग्राम पे मुझे अपना स्क्रीनशॉट जरूर सेंड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आईडी आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की आईडी आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ से भी चाहो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आईडी स्क्रीन पर है ही, जहाँ से चाहो वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लो। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखो, धन्यवाद, जय हिंद।